क्लोजिंग की तरफ फटाफट से आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ों को लेके आते हैं। एक डेढ़ मिनट रह गया क्लोजिंग का। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आज की जो सब दो इम्पोर्टेंट खबरें थी जिन्होंने आज मार्केट पर राज किया। पहली खबर ग्लोबल वाली थी जिसमें क्रूड टूटा हुआ था, थोड़े मैक्रोस ठीक थे तो उससे जुड़े हुए शेयर्स ठीक हो गए। दूसरी खबर थी बैंक से जुड़े हुए जिन्होंने पूरे बैंकिंग सिस्टम का मूड बिगाड़ा और ओवरऑल निफ्टी को भी आज 40 पॉइंट का नुकसान दिया। निफ्टी ने आज हरे निशान में आके ट्रेड भी किया है, भूलना नहीं आप ये बात। 20 पॉइंट 30 पॉइंट तक हरे निशान में आ गया था ये, उसके बाद ऊपर से फॉल 70 पॉइंट का है, तो ये अलग तरीके से नोटिस करने का एक तरीका होता है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन दे रहे हैं तो आज कांटे की टक्कर थी, तो आप 1100 और करीब करीब 1100 शेयर ही हैं। एक बार दूसरा वाला एडवांस डिक्लाइन भी दिखाएंगे ना एफएलडी वाला, वहां पर भी आप देखेंगे तो पलड़ा एक ही तरफ को भारी है अभी भी एडवांसेस का, तो वहां पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब आप देखिए बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से मैं आपको क्लोजिंग बताता हूँ। 43,500 एक स्ट्रांग बेस जैसा है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकली भी होता है और ये वैसे भी ऑप्शंस के हिसाब से भी होता है, क्योंकि कोई भी ना एबनॉर्मल ऑप्शंस में ज़्यादा कम काम होता है। आप देखेंगे 43,500 वाली में, 600 वाली में, 700 वाली में, 48,800 वाली में होगा, 550 वाली में कम काम होगा। ये आप कभी देखेंगे ना ऑप्शन चेन तो आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत हद तक आप इसको नोटिस भी करेंगे। तो एक तो ये 43,500 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पास तो खैर बहुत नीचे तक के सपोर्ट्स हैं, 19,500 600 भी है अभी तो अच्छी क्लोजिंग मिल रही है, क्लोजिंग खराब नहीं है, सिर्फ बैंक वाले एरिया को छोड़ दिया जाए वहाँ पे नुकसान है। इसलिए क्लियर कट मंडे को जब भी कोई आके मार्केट को देखे तो फिर से बैंक निफ्टी को देखे। बैंक निफ्टी में जितना सुधार होगा उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी 19,800 के पार होने की, और जितना खराब होगा ये एक ना एक दिन निफ्टी को भी ड्रैग करके नीचे ले आएगा। तो ये आज का कुल मिला के शो के अंदर ये लबोलुभाव आज का।